कैसी फिल्म है ये? बहुत ही बकवास मूवी, इससे इतनी वाहियत मूवी नहीं देखी गई है। क्या स्टोरी लाइन है, क्या है, कुछ भी बताया गया है, एक ही घर में पूरी मूवी निपटा दी गई है। बहुत ही बकवास मूवी, स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बकवास है, कुछ भी है, फेक स्टोरी, वाहियत। कैसे बहुत बढ़िया, माधवन की एक्टिंग बहुत बढ़िया है। स्टोरी कैसी है? स्टोरी अच्छी है, बस मूवी से थोड़ी अलग स्टोरी है, थोड़ा इसको मेल डाउन किया गया है, उसको ज़्यादा ग्रूसम मूवी है, लेकिन उसके फिर भी कम एंटरटेनिंग मूवी हुई है। अच्छा, अच्छा। और माधवन की एक्टिंग अच्छी है, अजय देवगन की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन ओरिजिनल से थोड़ी कम है। हाँ, मैंने ओरिजिनल देखी है गुजराती में, थोड़ा मेल डाउन किया गया है फैमिली ऑडियंस के हिसाब से, वो थोड़ी ज़्यादा डार्क है, तो अच्छी मूवी है फिर भी एंटरटेनमेंट के हिसाब से। भैया अच्छी फिल्म है, बट नॉट इंटरेस्टेड, इतना ओवर अच्छा भी नहीं है। आर माधवन की एक्टिंग बहुत अच्छी है और ठीक है सर, सो जो एक्सपेक्टेशन की थी वो चीज़ नहीं है। लास्ट में थ्रिलर है और ठीक ठाक है सर, ज़्यादा ओवर मज़ा नहीं है। बढ़िया, बिल्कुल यूनिक। एक्चुअली मैंने ये मूवी पहली बार देखी, इसलिए मुझे लास्ट में जो क्लाइमेक्स था, उसका जो एंट्री थी और जो उसका विजन था, वो बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज जो होना चाहिए, जो ट्विस्ट होना चाहिए, वो चीज़ नहीं थी, इसलिए फिल्म थोड़ी सी सो रही। एक नंबर, मजा आ गया फुल। वो ये बताएंगे, एक लग गया, एकदम मज़ा आ गया। हाँ ठीक है। कैसे लगी मूवी? बताओगे? हम बताओ कैसे लगी? बढ़िया लगी है, बढ़िया। कैसे लगी मूवी? हाँ जी भाई, बढ़िया मूवी, अच्छी है। स्टोरी वगैरह कैसी मूवी है? हाँ स्टोरी ठीक ठाक है, मतलब चलने लायक है। टाइम वॉच है क्या? हाँ मूवी काफ़ी अच्छी थी और बहुत सस्पेंस था, पता नहीं चला, 2-2.5 घंटे कब निकल गए। और मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है आर माधवन की और अजय देवगन की, मतलब मुझे तो बेस्ट लगी। स्टोरी बारे में क्या बोलोगे? स्टोरी सस्पेंस थ्रिलर है और मतलब जैसे कि दिखाया गया कि उसकी बेटी पे ब्लैक मैजिक के ऊपर डिपेंड, मतलब बेस्ड है ये मूवी। तो अपने आप कोई स्टोरी आई मेरे ख्याल से, मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह के ऊपर? नहीं, मैंने तो ये फर्स्ट फिल्म देखी है, ब्लैक मैजिक के ऊपर है। नहीं, मैंने इसकी ओरिजिनल नहीं देखी है। अच्छी मूवी ओवरऑल अच्छी मूवी है, बेस्ट हिंदी में है नहीं है। ओरिजिनल मूवी गुजराती में है ना, तो गुजराती आती नहीं है, तो इस तरह मैं ओरिजिनल देखी नहीं है, पर गुजराती में साथ बस ना मैं मूवी पर जी। हाँ पर ये कैसी लगी आपको, इसके बारे में क्या? सुपर मूवी सर, सुपर। आर माधवन दी एसटी सुपर। हाँ मैं उसी ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो उसकी रिकॉर्डिंग डब करके जो उसको सुनाई गई, कट पिट करके जो भी उसने किया, वो एक यूनिक पैटर्न था जो मैंने नहीं देखा एक्चुअली। अच्छा, अच्छा। इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, अदरवाइज सो सर। अच्छा, स्टोरी एक्चुअली आर माधवन को मैं बेस्ट कहूँगा एक्टिंग में, बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक्टिंग है, मतलब अल्टीमेट, उनका जवाब नहीं है। अच्छी स्टोरी है सर, पर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। जो एक्सपेक्टेशन हम अजय सर की फिल्म से कर रहे थे, वो चीज़ हमारी नहीं पूरी हुई। दृश्यम देखी थी आपने? हाँ सर, वो उसका कहना नहीं है सर। अच्छा, उसका कहना ही नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है। मूवी काफ़ी अच्छी थी और बहुत सस्पेंस था, पता नहीं चला 2-2.5 घंटे कब निकल गए। और मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है आर माधवन की और अजय देवगन की, मतलब मुझे तो बेस्ट लगी। स्टोरी बारे में क्या बोलोगे? स्टोरी सस्पेंस थ्रिलर है और मतलब जैसे कि दिखाया गया कि उसकी बेटी पे ब्लैक मैजिक के ऊपर डिपेंड, मतलब बेस्ड है ये मूवी। तो अपने आप कोई पहले सर की स्टोरी आई मेरे ख्याल से, मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह के ऊपर? नहीं, मैंने तो ये फर्स्ट फिल्म देखी है, ब्लैक मैजिक के ऊपर है। हाँ फर्स्ट मूवी देखी है? नहीं, मैंने इसकी ओरिजिनल नहीं देखी है। अच्छी मूवी ओवरऑल अच्छी मूवी है, बेस्ट हिंदी में है नहीं है। ओरिजिनल मूवी गुजराती में है ना, तो गुजराती मज़ा आ जाता पिक्चर में जी। बट ओवरऑल कह सकते हैं मूवी बहुत बेस्ट थी। हाँ काफ़ी अच्छी मूवी थी और आई थिंक काफ़ी चलेगी मूवी है। मैंने कल भी रिव्यूज लगे, सब लोग ये बोल रहे हैं क्लाइमेक्स बहुत छोटा कर दिया, मतलब इतना अच्छा मूवी के मुकाबले इतना अच्छा रहा नहीं। जी ये तो है, क्लाइमेक्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकते थे, मतलब उसने
क्लाइमैक्स मैं समझूंगा कि 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद में फिर वो बस मतलब हैप्पी एंडिंग हो गई और सारी लड़कियां जो थी वो आज़ाद हो गई। मतलब थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे बट फिर भी कह सकते हैं कि मूवी ओवरऑल अच्छी थी। अच्छा, आर माधवन की एक्टिंग के बारे में, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है मुझे तो। उसकी बीवी ने इंटरव्यू दिया था तो उसने ये बोला था कि मुझे तो 3 दिन तक इनसे डर लगा मुझे तो इनकी, तो 3 दिन के बाद मैं नॉर्मल हो पाई, तो मतलब बहुत ही खतरनाक लगा है वो उसको जी। आर माधवन की एक्टिंग की बात है, वो तो अब तक का सबसे बेस्ट लगा है अब तक तो। थ्री इडियट हो, वांटेड मैन हो, या इससे अच्छा है विक्रम वेदा के बाद सबसे बेस्ट एक्टिंग इसकी अभी है इसमें। विक्रम वेदा वो भी ओरिजिनल वाली, नॉट बॉलीवुड। एक रिव्यू फ्रॉम सर, मूवी भी इतनी अच्छी है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बहुत अच्छी। स्टोरी के बारे में क्या बोलूँगा? नहीं, स्टोरी अच्छी है इसकी। स्टोरी बिल्डअप पहली चीज़ बोल रही है कि मतलब पहले कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया किसी ने, और पहले कभी ऐसा कहीं देखा भी नहीं, इसलिए काफ़ी अच्छा था कॉन्सेप्ट। इसका बिल्डअप बहुत अच्छा है, लेकिन बस क्लाइमेक्स का थोड़ा सा मतलब 2 मिनट में अगर वो जो लास्ट वाला सीन था अगर उसको थोड़ा और बेटर कर सकते तो और मज़ा आ जाता भाई साहब, बस बहुत मज़ा आ जाता बस वहाँ पर। मतलब जो क्लाइमेक्स वाला सीन था ना वो थोड़ा छोटा सा और हल्का सा कर दिया पूरी मूवी के मुकाबले। बस जीप टाटी ट्राइमैक्स खत्म, पूरा थोड़ा लंबा होता ट्राइमैक्स, थोड़ा सस्पेंस होता तो क्या? कैसे लगी फिल्म सर? कैसे लगी मूवी? कैसे लगी फिल्म? ठीक है। कैसे लगी फिल्म? अच्छी थी। कैसे लगी फिल्म? ठीक है। बहुत अच्छी है, और इसमें उसकी इसकी वो बहुत अच्छी है एक्टिंग। हाँ, तो इस सत्र में और जीवन देखी नहीं है, पर दो जाती में साथ बस ना मैं मूवी पर जी। हाँ, पर ये कैसी लगी आपको, इसके बारे में क्या सर? सुपर मूवी सर, सुपर। आर माधवन दी एसटी सुपर। एक रिव्यू फ्रॉम सर, मूवी भी इतनी अच्छी है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बहुत अच्छी। स्टोरी के बारे में क्या बोलूँगा? नहीं, स्टोरी अच्छी है इसकी। स्टोरी बिल्डअप पहली चीज़ बोल रही है कि मतलब पहले कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया किसी ने, और पहले कभी ऐसा कहीं देखा भी नहीं, इसलिए काफ़ी अच्छा था कॉन्सेप्ट। इसका बिल्डअप बहुत अच्छा है, लेकिन बस क्लाइमैक्स का थोड़ा सा मतलब 2 मिनट में अगर वो जो लास्ट वाला सीन था ना अगर उसको थोड़ा और बेटर कर सकते तो और मज़ा आ जाता भाई साहब, बस बहुत मज़ा आ जाता बस वहाँ पर। मतलब जो क्लाइमैक्स वाला सीन था ना वो थोड़ा छोटा सा और हल्का सा कर दिया पूरी मूवी के मुकाबले। बस जीप टाटी ट्राइमैक्स खत्म, पूरा थोड़ा लंबा होता ट्राइमैक्स, थोड़ा सस्पेंस होता तो मज़ा आ जाता पिक्चर में जी। बट ओवरऑल कह सकते हैं मूवी बहुत बेस्ट थी। अच्छा, हाँ, काफ़ी अच्छी मूवी थी और आई थिंक काफ़ी चलेगी मूवी ये। तो मैंने कल भी रिव्यूज लगे, सब लोग ये बोल रहे हैं क्लाइमैक्स बहुत छोटा कर दिया, मतलब इतना अच्छा मूवी के मुकाबले इतना अच्छा रहा नहीं। जी जी, ये तो है, क्लाइमैक्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकते थे, मतलब उसने क्लाइमैक्स मैं समझूंगा कि 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद में फिर वो बस मतलब हैप्पी एंडिंग हो गई और सारी लड़कियां जो थी वो आज़ाद हो गई। मतलब थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे बट फिर भी कह सकते हैं कि मूवी ओवरऑल अच्छी थी। अच्छा, आर माधवन की एक्टिंग के बारे में क्या? बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है मुझे तो। उसकी बीवी ने इंटरव्यू दिया था तो उसने ये बोला था कि मुझे तो 3 दिन तक इनसे डर लगा मुझे तो इनकी, तो 3 दिन के बाद मैं नॉर्मल हो पाई, तो मतलब बहुत ही खतरनाक लगा है वो उसको जी। आर माधवन की एक्टिंग की बात है, वो तो अब तक का सबसे बेस्ट लगा है अब तक तो। थ्री इडियट हो, वांटेड मैन हो, या इससे अच्छा है विक्रम वेदा के बाद सबसे बेस्ट एक्टिंग इसकी अभी है इसमें। विक्रम वेदा वो भी ओरिजिनल वाली, नॉट बॉलीवुड।